बेंगलुरु में मंगलवार को स्कूटी सवार ने एक बुजुर्ग को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। आरोपी का नाम साहिल है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। वहीं पीड़ित बुजुर्ग मुथुप्पा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सोमवार को हुए एक धार्मिक आयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने यात्रा खत्म होने से पहले ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। इस कार्यक्रम में दावों को जानने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया प्रमुख भी यहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये कलश यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड की सभी शर्तों को पूरा कर रही है या नहीं। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट का एक पैसेंजर ने इमरजेंसी गेट खोल दिया, जिससे फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 562 अंक बढ़कर 60,655 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 158 अंकों की तेजी के साथ 18,053 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही।